पर और पॉसिबल भी है। लेकिन अर्क अंबर नाम का एक ऐसा यूनानी का प्रोडक्ट है जो कि क्लासिकल भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि रेक्स भी बनाता है इसको और हमदर्द भी अपनी क्वालिटी के साथ बनाता है, दूसरी कंपनीज भी बनाती होगी लेकिन, और यहां तक कि मैंने देखा होगा इसको आयुर्वेदिक जो कंपनीज वो भी बनाती है। अर्क अंबर, अर्क का मतलब होता है जड़ी बूटियों के अंदर का, मैं अपने आसान जुबान में कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कुछ और है, का जो यू समझ लीजिए एक्सट्रैक्ट जिसको हम कह सकते हैं, प्रोसीजर उसकी होती है अर्क, यानी इन शॉर्ट लिक्विड के जैसा होता है, आप समझ लिए आसानी से। और अंबर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स या फिर उसके जो मेन अज्जा है, जो जड़ी बूटी मेन है, उसकी वजह से नाम रखा गया है अर्क अंबर। बहुत ही जबरदस्त यूनानी की क्लासिकल मेडिसिन है, हमदर्द अपने बहुत ही अलग अंदाज में इसको बनाता है। तो हमदर्द का हो, रेक्स का हो, चाहे यूनानी की कोई भी कंपनी का अर्क अंबर हो, उसके जो अफआल हैं, जो बेनिफिट्स उसके हैं, तो दोस्तों वो बहुत सारे फायदे रखता है। मुफर्रिय खल्ब भी है, फरहत पहुंचाना, मुखव्विय कल्ब भी है, यानी दिमाग को दिल को तखवियत पहुंचाना, मुफर्रिय यानी कि घबराहट को दूर करना, बेचैनी को दूर करना, दिमाग की जो दिल की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करना, इसके साथ ही मुखव्विय दिमाग भी है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ ही दोस्तों मुसखी में दिमाग है, मुखव्वियात में, मुफर्रियात में और मुखव्विय कल्ब में और मुखव्विय बाम में, इस तरह इसके बहुत सारे अफआल हैं, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो आप इन शॉर्ट इतना याद रखें कि ये दिल दिमाग जिगर, यानी जिसको हम लोग आज़ा रईसा बोलते हैं या वाइटल्स ऑर्गन कहलाते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कंटेंट्स मैं आप इसके बताने वाला हूं आप खुद समझ जाएंगे, लगभग 34 कंटेंट्स इसके अंदर मौजूद है। कंपनी के हिसाब से वो कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट इसके अंदर होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही जबरदस्त ये यूनानी का फॉर्मूला है, जिसको जो है आपने अफाल सुने, उसके एक्शन सुने, कितने सारे फायदे इसके होते हैं। तो कॉमनली जिन लोगों को बहुत सारी दिमागी उलझने होती है, स्ट्रेस रहता है, तान तनाव है, बेचैनी, घबराहट, ये दिल की प्रॉब्लम है और किसी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, दिमाग काम बराबर नहीं करता, ऐसे लोगों में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड प्रेशर का लो हो जाना इसमें बहुत अच्छा रोल होता है इसके, इसीलिए हाइपोटेंशन का यूनानी के अंदर अगर कुछ ट्रीटमेंट है तो मैं मेरे अपने अंदाज से बता सकता हूं आपको कि वो अर्क अंबर और इसके अलावा खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, ये दो प्रोडक्ट है जो कि हाइपोटेंशन के पेशेंट इस्तेमाल करेंगे तो कुछ महीनों में, जी हाँ कुछ महीने आपको इस्तेमाल करना है, एक पैक खत्म करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ महीने आपको इस्तेमाल करना है अच्छे डॉक्टर की निगरानी के अंदर, या हकीम तबीब के या वैद्य के, उसके बाद आपको इसका नतीजा हासिल हो सकता है या फिर इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो अर्क अंबर बहुत ही बेनिफिशियल है हाइपोटेंशन के अंदर भी। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, खून अच्छे से नहीं बनता, या फिर लीवर में सूजन है, या इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स में अगर कहीं सूजन है और दिल के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में ये बहुत सारे अफाल अपने इसके अंदर होते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये ब्लड यानी खून को बढ़ाने में भी मदद करता है, एचबी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसके कंटेंट्स की, तो कंटेंट्स के अंदर देखेंगे दोस्तों आबरेशम, मुखर्रज, इसके अलावा इजहार, मक्के, उष्णा, इलायची, खुर्द, सोया अंधम, मुरादा, संदल, सफेद, बालछड़ और गुले खतमी, अनार, शीरी, अंबर, असहब और साथ ही इसमें बुजीदान, बहमन, सुर्ख, तज, कलमी, दालचीनी, शकाकुल मिश्री, दारंज, अखरबी, ओदगर की, करंज फल, किशमिश, खुश, पोस्त, तुरंग, गुले सुर्ख। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि ज़ौफ कल्ब, ज़ौफ दिमाग, ज़ौफ जिगर, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के अंदर जो है ये असर करता है, असरदार है, जबरदस्त है। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यानी बीपी कम हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा तोहफा है अर्क अंबर। अगर आप इस दवा को हासिल करना चाहते हैं तो आपको मैं कहता हूं कि आसानी से इसी क्लिप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी इसको, इस दवा को या फिर खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वालों को आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अमेजोन की लिंक मैंने आपको डाला हो, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को दवा नहीं मिलती इसलिए मैं कह रहा हूँ आसानी के लिए। अब डोज की बात है वो आप बेहतर है कि अपने तबीब डॉक्टर की या हकीम की मशवरे से लेंगे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप
एक चाय का जो कप होता है लगभग 30 से 50 ml के लगभग आप इस लिक्विड को एक टाइम यूज भी कर सकते हैं और बाकी सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। इसके साइड इफेक्ट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी है, इसके अलावा किसी के किडनी का प्रॉब्लम है, इसके अलावा लैक्टेशन का टाइम है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने तबीब के मशवरे के बगैर इसको बिल्कुल ना लें। अब रही बात इसमें जो डायबिटिक पेशेंट है वो लेना ले, तो ऐसा है कि कुछ कंडीशन में ले सकते कुछ कंडीशन में नहीं ले सकते। इस जरिए से मैं इस क्लिप के जरिए तो नहीं बता सकता क्योंकि किसकी